देहरादून के लालकुआ के रेलवे क्रॉसिंग गेट पर रेलवे सुरक्षा बल ने अभियान चलाते हुए फाटक के नीचे से बाइक निकालने वालों पर शिकंजा कसा है। इस दौरान भाजपा के मंडल महामंत्री राजकुमार सेतिया का बेटा दबंगई दिखाते हुए निकलने का प्रयास कर रहा था, जिसे मौके पर मौजूद आरपीएफ की महिला उप निरीक्षक मनीषा मीणा ने पकड़ लिया। मामले की भनक लगते ही प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल और भाजपा नेताओं का रेलवे फाटक पर जमावड़ा लग गया। वहीं घंटों आरपीएफ की भाजपा नेताओं और व्यापार मंडल नेताओं से नोकझोंक होती रही, लेकिन आरपीएफ ने किसी की एक ना सुनी और कार्रवाई करते हुए 5 मोटरसाइकिलों को जब्त कर न्यायालय में पेश किया है। रेलवे लाइन पर भीड़ रहती है, यहाँ पर बंद रहता है बहुत ज़्यादा, तो लोग परेशान होते हैं धूप में। अब ऐसा कोई मामला था नहीं वैसे, मेरा बेटा मेरे घर से आ रहा था, पीछे साइड वहीं पास में मेरा घर है, वहाँ से आ रहा था, रेलवे क्रॉसिंग से बहुत दूर था, वो इंस्पेक्टर वहाँ पे बैठी हुई थी, उन्होंने उनको बुलाया और मोटरसाइकिल उनको ले ली और चाबी दो जबरदस्ती चाबी लेकर और रेलवे स्टेशन पहुँचा दी इसको। वैसे तो ये बहुत गलत बात है, ऐसे यहाँ के इधर बिंदु खत्ता है, राजीव नगर है, सेंचुरी पेपर मिला है, कई कॉलोनियाँ हैं इधर, इधर लोगों को जाने का रास्ता यही है।